नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जोशना मोबाइल केयर में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारे पास एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आज हमारे पास एक पोको X3 का फ़ोन है, जिसके ऊपर मैं आपको तीन प्रॉब्लम एक जगह से बताऊंगा। इसके अंदर MIUI पे लॉन्ग टाइम स्टे रहना, वाइट डिस्प्ले हो जाना, उसके बाद सिस्टम UI प्रोविजनिंग स्टॉप जो आता है, ये सब प्रॉब्लम क्यों आता है फोन के अंदर, आज एक अच्छा टॉपिक डिस्कस करूंगा। आप सोच रहे हैं कि इतना जो वीडियो आने पे इतना गैप क्यों हुआ, और ये देखिए, प्रोविजन नॉट रेस्पॉन्डिंग। वीडियो लाने पे थोड़ा सा डिले हो गया दोस्तों, लगभग काफ़ी टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। एक्चुअली एक मेडिकल इमरजेंसी आ गया था, जिसके वजह से मैं पूरा यहाँ से लोकेशन से बाहर था, जो कि वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। मैं कोशिश करता हूँ, जिस तरह से वीकली आपके लिए वीडियो ला रहा था, उसी तरह से ही वीडियो लाने के लिए कोशिश करूँगा। ये जो प्रॉब्लम है POCO X3, ये एक डिमांडेबल प्रॉब्लम है। वाइट डिस्प्ले हो जाना, प्रोविजनिंग नॉट रेस्पॉन्डिंग, और इसके अंदर जो हमारी MIUI पे लॉन्ग टाइम रुक जाना, इसके अंदर CPU रिबल हो गया है। मसला कहाँ से है अभी बताऊंगा। ये देखिए, ये ऑडियो सेक्शन पे जो शील्ड ओपन हुआ है, इसको थोड़ा सा आप नोटिस कीजिए। मैं कोडेक के पास क्यों चला गया, क्योंकि ये आइस्कन से मेरे को पता चल गया है कि इस तरह से शील्ड ओपन हुआ है। और प्रॉब्लम को मैं जब फेस किया, तो ये प्रॉब्लम के लिए ये होता है, मतलब कौन सा प्रॉब्लम के लिए व्हाइट डिस्प्ले होती है, कौन सा प्रॉब्लम के मतलब कौन सा चीज़ मिसिंग होने से हमारी प्रोविजनिंग नॉट रेस्पॉन्डिंग आता है, और क्या प्रॉब्लम होने से हमारा MIUI पे लॉन्ग टाइम रुक जाता है, आज मैं डिस्कस करूँगा। क्योंकि ये तीनों प्रॉब्लम CPU रिबल के बाद आता है, तो हम ऑडियो सेक्शन के पास तुरंत क्यों गए, क्योंकि इसका शील्ड ओपन था। CPU मेरे हिसाब से आजकल के टाइम पे POCO X3 का CPU रिबल करना कोई बड़ा वाला बात नहीं है, बहुत सारा बंदे कर लेते हैं। CPU रिबल से आजकल प्रॉब्लम नहीं आता है, CPU रिबल के बाद कुछ प्रॉब्लम आती है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगा। देखो दोस्तों, सील्ड जब कोई भी बंदा ओपन करता है, थोड़ा सा देख के ओपन कीजिए, वही सील्ड ओपन के टाइम पे हम गलतियाँ कर बैठते हैं, जिसके वजह से हमारी प्रॉब्लम शो हो जाता है। आज ये जो टॉपिक मैं बना रहा हूँ, जिसके ऊपर हमको देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ मिसिंग होने से व्हाइट डिस्प्ले MIUI पे रुक जाना, और हमारा प्रोविजनिंग नॉट रेस्पॉन्डिंग बताने, जो जो डिस्प्ले पर शो हो रहा है वो किस तरह से ये प्रॉब्लम आता है। मैंने यहाँ से कोडेक किया, इसी को ओपन किया, इसीलिए क्योंकि जब मैंने टच किया था, यहाँ से देखिए, जब टच किया था यहाँ से थोड़ा सा मेरे को लग रहा था फुला हुआ था, तो मैं सीधे यहाँ से बोर्नियो को ओपन कर लिया। बोर्नियो को ओपन करने के बाद बोर्नियो स्कीमेटिक को हम देखेंगे सीधे यहाँ से। POCO X3 का जो NFC का मॉडल हो, या POCO X3 का नॉर्मल मॉडल हो, इस पे हम देखेंगे कोडेक की जो लाइन हमने टच कर रहे थे, जो हमको फूला हुआ नजर आ रहा था, वो लाइन क्या है। ये देखिए, वो लाइन हमारी क्या है, 1.8 वोल्ट की लाइन है, या फिर ये हमारा देखना पड़ेगा, हाँ ये 1.8 वोल्ट की लाइन है। इसको चेक करेंगे लाइन पे, ये देखिए लाइन मिसिंग है, जो कि कोयल बता रहा है वैल्यू नहीं आ रहा। यहाँ से ये तो कंटिन्यूटी सही है, इसका कंटिन्यूटी एक अंदर पे भी जा रहा है, LDO 10 ऐसे ही आ रहा है, ये कोडेक की दो जगह से दिया जाएगा। ये देखिए, ये 1.8 वोल्ट की लाइन अंदर जो मैं टिप जहाँ पर है वहाँ पर GR आ रहा है, लेकिन ये साइड पे जहाँ पर हमको फूला हुआ नज़र आ रहा था, वहाँ पर हमारा GR नहीं आ रहा है। तो यहाँ से GR नहीं आ रहा है, मतलब क्या है कि ये जो चीज़ है, यहाँ से एक जगह पर मिसिंग है, एक जगह पर सही है। ये जो दोनों लाइन हमने बोर्नियो को दिखा रही है, एक को जब क्लिक किए फिर हमारा ऊपर जाके भी एक जगह से मिलता है, तो यहाँ से वो जगह पे सही है, दूसरी जगह पर जो हमारी एक नंबर की पिन है, वो जगह पर हमारा मिसिंग है।
1.8 वोल्ट की लाइन जब आपकी कोडेक के पास मिसिंग होगा, तब हमारी फोन क्या हो जाएगा? ऑन तो हो जाएगा लेकिन वाइट डिस्प्ले हो जाएंगे। मैं इसको सर्वे करके ही आपको बता रहा हूँ। और इस पे क्या होगा कि कभी कभी वाइट डिस्प्ले होगा, कभी कभी MIUI का लोगो लॉन्ग टाइम रुक जाएगा। इसका एक टीपी दिया है जो कि ये जाता है हमारा पावर एम्पलीफायर के पास भी, स्मार्ट पावर एम्पलीफायर, स्मार्ट पीए के पास भी जाता है। स्मार्ट पीए हमारी क्या है? ऑडियो एम्पलीफायरिंग की आईसी है। ऑडियो एम्पलीफायरिंग की आईसी के पास भी ये 1.8 वोल्ट दिया जाता है और हमारा मेन कोडेक को भी दिया जाता है। तो कोडेक के पास हमारी एक नंबर पिन और हमारा 31 नंबर पिन, या फिर कितना नंबर पिन, 33, 33 नंबर पिन के पास दिया जाता है और एक नंबर पिन के पास दिया जाता है। तो यहाँ से हमने देखा कि एक नंबर पिन पे हमको GR नहीं मिल रहा है और हमारा 33 नंबर पिन पे GR है जो कि एक लाइन है, और ये आपस में कंटिन्यूटी होना चाहिए जो कि कंटिन्यूटी भी नहीं है। तो यहाँ से एक लाइन हमारी मिसिंग है या फिर और कोई लाइन मिसिंग है, क्योंकि 1.8 वोल्ट की लाइन मिसिंग होने से हमारा प्रोविजनिंग नॉट रेस्पॉन्डिंग का मैसेज नहीं आएगा। तो और भी कोई मिसिंग होना चाहिए, ये भी देखिए, इसको भी जब हम चेक कर रहे हैं ये भी लाइन मिसिंग है। तो ए लाइन क्या है देखेंगे अभी, ए लाइन क्या है? SWR साउंड OR RX की लाइन, रिसीविंग का डाटा का लाइन, RX डाटा, RX डाटा की लाइन यहाँ से मिसिंग है। तो डाटा क्लॉक की लाइनें आ गई, RX डाटा, RX क्लॉक, TX डाटा, TX क्लॉक, ये चारों लाइन को आपको चेक करना पड़ेगा। ये चारों लाइन मिसिंग हो जाने से हमारी क्या होगा, सिस्टम UI नॉट रेस्पॉन्डिंग, सिस्टम प्रोविजनिंग नॉट रेस्पॉन्डिंग, या फिर आपका फोन लोगों पे रुक जाना, ये सब प्रॉब्लम आ जाता है। 1.8 वोल्ट लाइन मिसिंग होने से क्या होगा कि MI सेकेंड लोगों पे रहेगा और हमारी क्या होगा, कभी कभी व्हाइट डिस्प्ले हो जाएंगे। लेकिन ये जो प्रॉब्लम मैं दिखा रहा हूँ इस पे क्या होगा कि RX TX के प्रॉब्लम पे ये भी लोगो रहेगा, फास्ट लोगों पे रुक जाएगा और हमारी एक तो ऑडियो काम नहीं करेगा वो अलग बात है, लेकिन ये कम्प्लीटली ऑन नहीं होगा। तो कहाँ से प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम शो हो रहा है, ये हमको जानना पड़ेगा। एक्चुअली कोडेक के पास मिसिंग है लेकिन आपका सिस्टम प्रोविजनिंग नॉट रेस्पॉन्डिंग आ रहा है। देखिए यहाँ से ये जो लाइन आ रहा है, मैं एक स्क्रैप बोर्ड से इसको स्कार्च करके पहले ये पॉइंट को सब नोट किया, फिर ये जो वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन मिले कि ये जो लाइन है ये कहाँ कहाँ पे जाता है और किस तरह से मैं इसको जम्पर करके सही किया हूँ ये फोन को। तो चलिए यहाँ से हम ये जो जम्पर वगैरह जहाँ पर मिसिंग है, हमारा RX डाटा भी मिसिंग है और क्या क्या मिसिंग है अभी देख लेंगे। इस पे GR आ रहा है, इस पे OL है, यहाँ पे OL है, यहाँ पे सही है। तो इंटरनली भी कुछ शायद ब्रेक हुआ होगा, इस पे भी नहीं है, इस पे नहीं है, ये दोनों लाइन मिसिंग है। तो दो हमारी लाइन मिसिंग है जो कि इंटरनल पैड हमारे डाटा क्लॉक की लाइन और एक 1.8 वोल्ट की लाइन, दो डाटा क्लॉक की लाइन मिसिंग है और एक 1.8 वोल्ट की लाइन मिसिंग है। ये तीनों लाइन मिसिंग हो जाने से हमारी यहाँ से प्रॉब्लम क्या होगा, सिस्टम प्रोविजनिंग नॉट रेस्पॉन्डिंग, MIUI का लोगो लॉन्ग टाइम रुक जाना, ये सब प्रॉब्लम शो होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे स्कार्च करते हैं, स्कार्च करने के बाद हमको जो जो ट्रैक की ज़रूरत पड़ेगी वो ट्रैक को सीधे देखेंगे, यहाँ से क्या क्या ट्रैक मिसिंग हो जाने से ये प्रॉब्लम आता है। तब तक हम इसको स्कार्च कर लेते हैं और अच्छी तरह से इसको आप प्रोसेस को देख लीजिए, फिर हम स्कार्च करने के बाद हम IC को बैठाएंगे और चेक करेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं।
यहाँ से हमारा जो जो प्रिंट मिसिंग था उसको हमने जंपर कर दी। अब यहाँ से चेक करेंगे हम हमारी जो प्रॉब्लम था, तुरंत MIUI लोगो आता है कि नहीं। और सेकंड दे देखिए, वीडियो थोड़ा फास्ट है लेकिन आपको नॉर्मल पे भी मैं चेक करके बताऊंगा कि अभी कैमरा पे था। अभी अभी देखो ये स्टार्ट भी हो गया। चलो यहाँ से हम कम्प्लीटली चेक करके आपको बताते हैं। इस पर आप देख रहे हैं वही सेम मदरबोर्ड है, मैं जो जो काम किया हूँ आप अच्छी तरह से इसको जूम करके देख भी सकते हैं। इसको हम अभी चेक करेंगे क्योंकि माइक्रोस्कोप में थोड़ा फास्ट था और साउंड ऑडियो का साउंड भी नहीं आ रहा था। सिर्फ हम यहाँ से चेक करेंगे पोको लोगो के बाद MI का जो सेकेंड लोगो आता है वो कितने टाइम पे आता है, नॉर्मल पे आता है नॉर्मल जैसा आता है या फिर ये लॉन्ग टाइम रुक के आता है, तो आपको पता चल जाएगा कि फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम है या नहीं। अगर इस तरह से प्रॉब्लम आता है MIUI का लोगो बहुत लॉन्ग टाइम पे आता है तो कहीं से ना कहीं से आपका I2C प्रोटोकॉल मिसिंग है। ये देखिए साउंड भी आ गया, MIUI का लोगो भी फास्ट आ गया। अब यहाँ से हम चेक करेंगे ये स्टार्टिंग होता है कि नहीं, क्योंकि MIUI लोगो के बाद ये कभी कभी रिस्टार्ट हो जाएगा, कभी कभी व्हाइट लोगो हो जाएगा, कभी कभी इस तरह से रुक जाएगा। ये सब प्रॉब्लम आता है, ये जो आज बताया कोडेक की या फिर कोई ऑडियो के सेक्शन हो या फिर जो भी सेक्शन हो वो सेक्शन पे आपका 1.8 वोल्ट वीरेज LU10A जो था वो मिसिंग था, और I2C लाइन यानी कि RX डाटा का लाइन जो RX क्लॉक डाटा की सब लाइन मिसिंग हो जाने से प्रॉब्लम हो जाएगा। ये देखिए नोटिफिकेशन का भी साउंड आ गया। अब यहाँ से कीपैड ऑन करके चेक कर लेते हैं, छोटा सा प्रॉब्लम है, CPU रिबल से नहीं होगा, बाहर से प्रॉब्लम था, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अच्छे वाले टॉपिक के साथ।